नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हम अपने समाचार एक्सप्रेस पर जुड़े हुए लाखों हजारों लोगों का धन्यवाद और अभिवादन करते हैं जो लगातार समाचार एक्सप्रेस पर हमारी खबरों पर कमेंट्स करते रहते हैं और हमारा उत्साह भी बढ़ाते हैं। समाचार एक्सप्रेस सीधे दर्शकों से ही जुड़ने की मंशा लेकर जुड़ा है और इसी कड़ी में अब समाचार एक्सप्रेस लोगों की खुशियों और ऐसे पलों को भी साझा करना चाहता है ताकि ताउम्र समाचार एक्सप्रेस से जुड़े हुए ऐसे पलों को हमेशा सहेज कर रख सके और याद कर सके। इसलिए समाचार एक्सप्रेस अब एक नई पहल और मुहिम शुरू करने जा रहा है जो आज तक किसी भी चैनल ने से शुरू नहीं किया होगा। अगर शुरू किया भी होगा तो शायद इसे बंद कर दिया गया होगा, लेकिन समाचार एक्सप्रेस इस मुहिम को लगातार बनाए रखेगा और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अब जो बात आपसे कहने जा रहे हैं वह हम निभाएंगे भी। समाचार एक्सप्रेस किसी बच्चे के जन्म की खुशियां भी आप सभी के साथ साझा करेगा। इसके साथ साथ आपकी शादी की वर्षगांठ की तस्वीर भी साझा करने जा रहे हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। हमें महसूस हुआ कि जिस तरह से पुरानी फिल्मों में नायक या खलनायक अथवा अभिनेत्री के साथ साथ सहकलाकार की भूमिका बड़े पर्दे पर अदा करने वाले हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि आज से 30 या 40 साल पहले किसी भी फिल्म में भूमिका अदा करने वाले कलाकार भी जिस तरह से अपनी पुरानी फिल्मों को आज भी टीवी पर देखकर अपने उन जाबाज पलों को याद करके गौरवान्वित होते हैं या फिर उन दृश्यों को देखकर अपने ही परिवार के लोगों के बीच फिर से याद किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाचार एक्सप्रेस भी आपके इन पलों को सहेज कर आपके पास पहुंचाएगा ताकि कई साल बीत जाने के बाद भी बीते हुए सुनहरे पल आपके सामने फिर से आ सके और आप भी अपने बच्चों को भविष्य में दिखा सके कि गुजर गई उम्र में उनके पल कितने शानदार थे। इसलिए समाचार एक्सप्रेस आप सबसे वादा करता है कि आप भी अपनी खुशियां हमसे साझा करके इन पलों को यादगार बना सकते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। आप अपने बच्चे के माता पिता का जन्मदिन व बच्चे का नाम, जन्मदिन की वीडियो या शादी की वर्षगांठ की वीडियो प्रमाणिक तथ्यों के साथ आप सीधे समाचार एक्सप्रेस के नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप समाचार एक्सप्रेस के कार्यालय के एड्रेस पर भी संपर्क कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार के बीच किसी भी दिन मेल भेज सकते हैं या हमें सेंड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर भी इसे सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।